कटिहार में मासूम को ट्रक ने रौंदा, विरोध में हंगामा। माता पिता 6 साल के मासूम को लेकर पैदल ही रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे, बेलगाम ट्रक ने बालक को कुचला। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री। हाजीपुर से आए एक फरियादी ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप, कहा दिन दहाड़े पुलिस वालों ने लुटवा दिया गोदाम। जेल से बाहर आते ही युवक की हत्या। बेगूसराय में पानी भरे गड्ढे में मिली लाश, शराब तस्करी में गया था जेल, पीट पीट कर मर्डर की आशंका। एनसीआरबी की रिपोर्ट। देश के 19 महानगरों में 5वें नंबर पर पटना, सबसे अधिक बेंगलोर में आए मामले। राज्य में सबसे अधिक साइबर क्राइम पटना में, दूसरे नंबर पर सारण। मधेपुरा की कोर्ट ने पप्पू यादव को अपहरण के मामले में 22 जज बरी कर दिया है। सड़क हादसे में परिवार के 4 लोगों की मौत। सासाराम में ट्रक ने कार को टक्कर मारी, बेटी की शादी की बात करके वाराणसी से लौट रहे थे 5 सदस्य, एक की हालत गंभीर। गुस्साए दामाद ने ससुराल में लगाई आग, सास की मौत। भागलपुर में नशेड़ी शख्स के करतूत, पत्नी मायके आई तो घर में पेट्रोल छिड़क कर जला दी चिंगारी, ससुर और बेटा गंभीर। प्राइवेट गाड़ियां भी अब कराएंगी VTR की सैर। जंगल सफारी में स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार का मौका, 15 अक्टूबर को नहीं खुलेगा, बारिश बनी वजह। भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली का अलर्ट, सुपौल, अररिया और किशनगंज सहित 19 जिलों में भारी बारिश के आसार, पटना में रात को जमकर हुई बारिश। इंटरमीडिएट में एडमिशन का आखिरी मौका, तीसरी सूची से बाहर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पॉट एडमिशन, आज से 6 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। बिहार में वायरल हेपेटाइटिस का खतरा, लाइफस्टाइल दे रही लिवर का गंभीर रोग, मिलावटी खानपान है जिम्मेदार, खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में हो चुका है खुलासा। वाल्मीकि नगर में इंडो नेपाल बॉर्डर खुला, हटने लगा बैरियर तो लोगों ने मनाई खुशी, पैदल आने जाने की है अनुमति, कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन। मधुबनी में शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, SSB और रहा BOP ने की कार्रवाई, बड़ी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, आरोपी को स्थानीय पुलिस को सौंपा गया। समस्तीपुर में मकान ढहने से 3 की मौत, भारी बारिश के कारण घर गिरा, अंदर सो रही माँ बेटी समेत 3 की दबकर मौत, 3 बच्चों की हालत गंभीर। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को पढ़ाया ड्यूटी का पाठ, यातायात प्रभारी ने सभी को दी ट्रेनिंग, कहा किसी भी हाल में नहीं हो उल्लंघन और नहीं हो जाम की समस्या।